नमस्कार, फिन पॉइंट के एक्स्ट्रा डोज सेशन में आपका स्वागत है। आज के फिन पॉइंट एक्स्ट्रा डोज की शुरुआत हम जीडीपी से जुड़े डेटा से करेंगे। सीएसओ और आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए ग्रोथ 4.9% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले जीवीए ग्रोथ से जुड़े डेटा के अनुसार पहली तिमाही में इकोनॉमिक ग्रोथ 5% और दूसरी तिमाही में 4.5% थी। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.2% रखा गया था, जिसे बाद में 7% कर दिया गया था, लेकिन वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 6.8% पर सीमित रह गई थी। आधिकारिक स्टेटमेंट के अनुसार 2011-12 बेस ईयर के आधार पर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जीडीपी के 147.78 लाख करोड़ रुपीस रहने का अनुमान है, जो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के अनुमान 140.78 से अधिक होगा। दूसरी तरफ बेसिक प्राइस पर वास्तविक जीवीए फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के 129.07 लाख करोड़ रुपीस से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 135.40 लाख करोड़ रुपीस अनुमानित हैं। इस तरह जीवीए में पिछले फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के 6.6% की तुलना में इस साल 4.9% रहने का अनुमान है, जबकि देश की पर कैपिटा इनकम में फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के 1,26,406 रुपीस से 10% की ग्रोथ के साथ 1,35,050 रुपीस रहने का अनुमान है। अगली खबर मोबाइल ब्राउजर से जुड़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी थर्ड पार्टी मोबाइल ब्राउजर कंपनी यूसी ब्राउजर भारतीय बाजार के लिए अपनी स्ट्रेटेजी में बड़े बदलाव की तैयारी में है। अब तक 1.1 बिलियन से ज्यादा लोग यूसी ब्राउजर को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर चुके हैं। ब्राउजर अपने ऐप में इंडिविजुअल यूजर के लिए यूसी ड्राइव नाम से क्लाउड स्टोरेज सर्विस लॉन्च करने वाली है। यूसी ड्राइव की सर्विस शुरू होने पर यूजर ऐप क्लाउड स्टोरेज सेवाओं के द्वारा वीडियो, सॉन्ग्स, फोटोज और अन्य सभी कंटेंट को मोबाइल की स्टोरेज कैपेसिटी की चिंता किए बिना स्टोर कर पाएंगे। सभी यूसी ब्राउजर यूजर के लिए लार्ज क्लाउड स्टोरेज स्पेस वाली यूसी ड्राइव की सर्विसेज फ्री में उपलब्ध होंगी। डाउनलोड की संख्या के आधार पर पूरी दुनिया में 50% से ज्यादा यूसी ब्राउजर ऐप को भारत के यूजर्स ने डाउनलोड किया है। क्लाउड ड्राइव एक ऐसा टूल है जिसमें कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है। इस तरह आप अपनी यूसी ड्राइव में स्टोर किए गए फाइल को कहीं भी और किसी भी समय यूज कर पाएंगे। ये सेवा गूगल ड्राइव की ही तरह काम करती है। अब हम बात करेंगे देश की सबसे पुरानी स्टील कंपनी के बारे में। टाटा स्टील की सहायक कंपनी टीएस अलॉयज लिमिटेड को अगले 50 सालों के लिए ओडिशा में स्थित क्रोमाइट अयस्क के खनन का लाइसेंस मिला है। ओडिशा सरकार ने सारू अबिल क्रोमाइट माइनिंग ब्लॉक का ऑक्शन किया था, जिसे सबसे ऊंची बोली लगाकर टीएस अलॉय लिमिटेड ने हासिल कर लिया है। क्रोमाइट अयस्क से क्रोनियम मिलता है, जिसका इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील, टूल स्टील और आर्मर पियर्सिंग प्रोजेक्टाइल में किया जाता है। टाटा स्टील ग्रुप दुनिया की टॉप स्टील कंपनीज में से एक है, जो हर साल 33 मिलियन टन क्रूड स्टील का प्रोडक्शन करती है। 31 मार्च 2019 तक ग्रुप का कुल टर्नओवर 27.67 बिलियन डॉलर है। पिछले साल यानी साल 2018 में कंपनी ने भूषण स्टील लिमिटेड का अधिग्रहण करके उसका नाम टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड कर दिया था। अगली खबर डेटा सिक्योरिटी से जुड़ी कंपनी के बारे में है। स्पेक इंडिया ने घोषणा की है कि उसे साल 2019 के आखिरी क्वार्टर में ISO IEC 27001 2013 का सर्टिफिकेशन मिल गया है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए देश और विदेश दोनों जगहों पर ISO IEC 27001 2013 मानक की काफी मान्यता है। 21वीं सेंचुरी में डेटा एक नए एसेट के रूप में उभरा है। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सभी ऑर्गेनाइजेशन डेटा सिक्योरिटी पर अपना पूरा फोकस कर रही हैं। इस सर्टिफिकेशन से स्पेस इंडिया कंपनी डेटा सिक्योरिटी से जुड़े अपने ग्लोबल क्लाइंट से किए गए कमिटमेंट को अधिक तत्परता से पूरा कर पाएगा। फिलहाल यूरोप के देशों में कंपनी के ज्यादातर क्लाइंट्स हैं। स्पेस इंडिया की क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी QMS टीम ने बहुत ही कम टाइम में अपनी परफॉर्मेंस से अच्छा मुकाम हासिल किया है। स्पेस इंडिया का टारगेट दुनिया भर में फैले अपने क्लाइंट्स को हाई डेटा सिक्योरिटी सर्विसेज अवेलेबल कराना है।
यहाँ पर हमारे फिन पॉइंट के एक्स्ट्रा डोज का सेशन समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com जरूर विजिट कीजिए। देश में फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमने इन्फोवेशंस ऐप लॉन्च किया है, जिसे आप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके फाइनेंस से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को देखने और हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।